नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और कब रिजल्ट आएंगे इन तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में बात की जाए तो नीमच जिले में स्थानीय निकाय चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं उस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है जिले के विधायक दिलीप सिंह परियार जी। उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से स्थानीय मुद्दों को लेकर वे जो है चुनाव में उतरेंगे। विधायक जी, किस तरह के मुद्दे इस बार जो है चुनाव में रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है। जो लोग अच्छे काम करते हैं वो अपने आप ही आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वो काम के आधार पर बनी है। यहाँ न तो परिवारवाद चलता है, न कोई यहाँ छोटा है न बड़ा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी छोटे कचोरी बेचने वाले साइकिल पर उस कार्यकर्ता को लाकर कंबल देती है, वो जीतता है और जनता की सेवा करता है। इसका उदाहरण हम देख लें कि सांसद हो, विधायक हो, सारे लोग इसी प्रकार की जीत के जाते हैं जो धरातल से जुड़े हुए होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को निकाल कर और टिकट देगी जो जीत के उम्मीदवार होंगे। मेरा तेरा से ऊपर उठकर हम लोग काम करते हैं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश पार्षद जीत के आते हैं और नगर पालिकाएँ बनती है। कड़ी भी एक होना चाहिए, केंद्र में एक देवदुर्लभ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में एक सर्वहारा वर्ग का कल्याण करने वाला मुख्यमंत्री है संवेदनशील माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब। जब वो यहाँ वहाँ से ऊपर से दोनों जगह से पैसे आते हैं तब विकास बढ़ता है और आज नीमच में आप देख लो चारों दिशाओं में विकास हो रहा है और वो विकास बोलता है। तो विकास के मुद्दे को लेकर हम जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। स्थानीय कभी जो मुद्दा है बंगला बगीचा है, फिर एक बार गरमाता दिखा, जबकि इसको तो बीजेपी की सरकार ने आपने खुद ने जो इसको पूरी समस्या को हल कर दिया, आखिर बीच में इस तरह की स्थितियाँ क्यों बन रही? बंगला बगीचा समस्या 50 साल तक कांग्रेस ने उलझा के रखी और दूध देती गाय के समान उसका उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वो यहाँ आए और जनता की अदालत में बोल के गए कि हम बंगला बगीचा समस्या का समाधान करेंगे। आप देखो कि 95% तक की समस्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर और उस समस्या का निराकरण किया। पहले आप देखते थे बंगला बगीचा में जो लोग निवास करते हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उनने उन सबको मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई। माया सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री बनी, जयंत मलैया जी बने और जब माया सिंह जी यहाँ नीमच आई थी तब हमने उनसे कहा था कि लगभग 40,000 लोग बंगला बगीचा में निवास करते हैं, उनके लिए पानी, सड़क, लाइट और जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो नहीं मिल रही है। उनने तत्काल पैसा जारी किया नीमच के बंगला बगीचा समस्याओं को लेकर और वहाँ विकास के काम होना प्रारंभ हुए। आप किसी भी बंगले में चले जाओ, सीमेंट कंक्रीट रोड आपको मिलेगी, ड्रेनेज मिलेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था मिलेगी और बिजली प्रकाश की व्यवस्था मिलेगी। तो बंगला बगीचा समस्या को हमने निराकरण करने का काम किया। उसके बाद हाँ, मैं स्वयं विधायक होने के नाते माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन जी और हम सब लोग बैठे, कैबिनेट की एक बैठक बैठी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी, अन्य विभागीय मंत्री जी वहाँ बैठ कर उस समस्या का निराकरण किया। उसके बाद लोगों के विस्थापन का काम प्रारंभ हुआ। जो छोटे लोग हैं जिनने आवेदन लगाया है उनके नामांतरण हुए हैं, विस्थापन हुआ है, उनको अनुमति मिली है और वो मकान बन रहे हैं बंगले बगीचे में। कुछ लोग बड़े 5,000 से स्क्वायर फुट से ऊपर वालों का मामला है, वो थोड़ा सा मामला माननीय मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री से मैंने समय समय पर बात की है और उसका भी निराकरण भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ही करेंगे। इसलिए किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग गुमराह करने का काम करते हैं, वोट मत डालो, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उस पैसे का कोई हिसाब नहीं देते हैं, वो जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को, बंगला बगीचा निवासियों को, उन लोगों को पहचानना चाहिए कि कौन लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। यथा समय यथा स्थान हमने बंगला बगीचा की समस्या को पूरा निपटाने के लिए मनोयोग से काम किया है। अधिकांश समस्या निपटी है, छोटी मोटी समस्या है वो हमारे, मुझे विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उसको निराकरण करेंगे। विधायक जी, एक इसमें एक ये पेच फंस रहा है कि जो छोटे भूखंड वाले हैं दस्तावेज को लेकर, जैसे हिबानामा हुआ, हिंदू आदि बंटवारा हुआ, उसे मान्य नहीं किया जा रहा, सिर्फ रजिस्ट्री को मान्य किया जा रहा, तो इसे लेकर भी जो छोटे बंगला बगीचावासी वो इस वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं। मेरा तो बंगला बगीचे वालों से निवेदन है कि यदि उनके कोई मामले का कहीं निराकरण नहीं हो रहा है तो पहले सबसे पहले तो वो अपना आवेदन लगाए। जितने लोगों के प्लाट है उनने वहाँ आवेदन नहीं किए हैं, वो आवेदन लगाएं,
उसके बाद यदि कोई समस्या आती है तो हमारे पास आए, कलेक्टर के पास जाए, हम बैठ के उस समस्या का निराकरण करेंगे, उनको उनका आधिपत्य सौंपेंगे जिससे कि वो लोन ले सकेंगे और अपना आशियाना बना सकेंगे। मेरा ये एक सवाल चुनाव को लेकर कर रहे हैं, नगर पालिका में पार्षद अब जो है अध्यक्ष चुनेंगे तो किस तरीके से समीकरण बैठेंगे, किस तरीके से अध्यक्ष बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के समीकरण बैठेंगे क्योंकि हमने विकास किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के जाएंगे और नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनेगी क्योंकि पब्लिक है जो सब जानती है, अधिक कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक अच्छे लोगों को जो आरक्षण हुआ है, अभी हमने देखा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जी ने खम्भ ठोका था और पिछड़े वर्ग का आरक्षण दिलाने का काम किया है। तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हमारे जो नीति नेता है वो बहुत ठोस नेता है, आज उसने विश्व में भारतीय जनता पार्टी का मान बढ़ाने का काम किया है और पब्लिक के सारे काम, जितने भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोक कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की वजह से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की वजह से आज वापस चालू हो गई है। कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार हमने देखी है, जब लोक कल्याणकारी योजनाएं सारी बंद हो गई थी, एक वापस गरीबों की दुआओं से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारी ओर आए, हम जनता की अदालत में गए, जनता ने हमें जिताया और हमने वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मुख्यमंत्री जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने और वो जो काम कहते हैं वो करते हैं। आप देख लो मध्य प्रदेश का जैसा विकास हो रहा है, देश का जो विकास हो रहा है वो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था, जो 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करके बताया। इसलिए काम को लेकर और योजनाओं को लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता हमें जिताएगी और हम भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनाएंगे। ये कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, कार्यकर्ता में से ही हम जो लोग काम करते हैं उनको वोट टिकट देते हैं और वो लोग जनता उनको आशीर्वाद देती है और जिता के भेजती है। तो ये थे स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से उन्हें जो निकाय चुनाव को लेकर जो मुद्दे बने हुए उन मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। तब तक अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।